Hello, sir. Are you able to hear me? Hi, Ruben. How are you doing? Yes, I can hear you. Okay. So we are going to start, okay? Yeah, sure. Do we have other participants as well? Yeah, I think they will join in the middle of the session. Okay. Okay. So Sakina, I want to tell you about myself first. My name is Gagan Gupta, and currently I'm working with EXL Services as a reporting analyst. And prior to that, I used to work with GSG as a claim associate. Okay. Okay. And could you please tell me about yourself a little? Well, currently I'm working as a project manager with HCL. Okay. And I have been here for 6.5 years. Okay. Yeah, so this is pretty much my first job kind of thing. Okay. So, आपकी कुछ expectations हैं कि आप Excel में क्या करने वाले हैं, कोई idea कि हम क्या करेंगे? So from a project reporting perspective, we were trying to get to something, you know. Sakina, हम जो है अपने जो session में हैं, पहले Excel करेंगे, उसके अंदर advanced Excel include होगा, हम dashboarding करेंगे, और उसके साथ साथ जब हमारा Excel और dashboarding complete हो जाएगा, हम VBA start करेंगे. Programming in Excel, automation. Right. Okay. So मेरा focus जो है जो main रहेगा वो रहेगा speed के ऊपर. So first of all in the first class I will discuss about the shortcuts. Okay. ऐसा होता है कि जब हम कंपनी में काम करते हैं तो हमारे पास सपोज 40 रिपोर्ट्स हैं. ओके. तो हम एक एक रिपोर्ट को अगर 10-10 मिनट देंगे, 20-20 मिनट देंगे, हम माउस से काम करेंगे तो हमारी रिपोर्ट्स नहीं बन पाएंगी. टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और जब भी हम रिपोर्टिंग करते हैं हमें हमेशा शॉर्टकट से काम करना पड़ता है. अगर हम शॉर्टकट से काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम काम नहीं कर पाएंगे ऑफिस के अंदर, क्योंकि माउस से जो है गिनती की रिपोर्ट्स बन सकती हैं, 40-50 नहीं बन सकती. ओके. तो मेरा फोकस रहेगा कि हम शॉर्टकट्स पहले लर्न करेंगे, कि एक तरीका है शॉर्टकट्स लर्न करने का, क्योंकि अगर मैं आपको PDF फाइल दे दूंगा कि इसमें से याद कर लो शॉर्टकट्स, तो आप याद नहीं कर सकते उन शॉर्टकट्स को. ओके. तो कुछ 10-12 शॉर्टकट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं एक्सेल के अंदर. बाकी ओके. और बाकी शॉर्टकट्स ऐसे हैं जो आप जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप उसको बना सकते हो शॉर्टकट्स को, तो हम अभी डिस्कस करते हैं. लेट मी ओपन द एक्सेल. ओके. एंड व्हाट वुड यू बी, दिस इज ऑन डे 1, दिस इज व्हाट यू वुड कवर डे 1, करेक्ट? या एक्सेल शॉर्टकट्स एंड सम मोर कॉन्सेप्ट्स. ओके. एंड हाउ मेनी आवर्स वुड दिस बी? लेट्स सी, डिपेंड्स. ऑलराइट. Are you able to see the screen? Yes, I am. Okay. So Sakina, these shortcuts as speed boosters. Okay. Because these shortcuts are shortcuts which are used so frequently. जब आप एक्सेल पे काम करोगे तो मोस्टली 90% मतलब जो शॉर्टकट्स हैं ये यूज होंगे आपके, बहुत जल्दी जल्दी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगे. तो अगर आपकी इन पे कमांड हो जाती है तो आपकी स्पीड अपने आप बन जाएगी एक्सेल के ऊपर. तो मैं इनको जब हम करेंगे एक्सेल तो इन शॉर्टकट्स को यूज करेंगे. ओके. व्हाट इज ए ऑल्ट प्लस ओसीए? इट ऑटो फिट्स द कॉलम्स. ओके. सपोज आई एम राइटिंग समथिंग. नो नो, आई मीन व्हाट इज ओसीए मीन? आई डिडंट अंडरस्टैंड ओसीए. इट्स शॉर्टकट. आई विल डिस्कस अबाउट इट. ओके, यू डिडंट अंडरस्टैंड. I understand what the ALT is. Alt is Alt key. ठीक है? Yes. Plus another key, right? The same control plus space bar है. ठीक है? तो वो मेरे को समझ में आ गया control plus space bar press करने पे. Alt plus OR. It's only Alt and then OCA. Okay, understood. Okay. And it fits the column. Suppose I'm writing so much here in the one cell. And I want to auto fit it. Then Alt O C A, it's automatically gets auto fitted. Okay. 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 Suppose अब मेरे को shortcuts याद करने हैं, यहाँ पे हैं सब. मैं कुछ पहले topics clear करा देता हूँ दो, जिससे हम बाद में इनके shortcuts बना सके. Wrap-text and Merging Center. Wrap-text means suppose I'm writing so many things in just only one cell. Okay. And you can see
एक साल के अंदर सब कुछ नहीं आ सकता है, मैं चाहता हूँ कि एक साल के अंदर पूरा टेक्स्ट आ जाए जिससे इजी टू अंडरस्टैंड हो और थोड़ा अच्छा लगे देखने में. ओके तो हम इसके लिए कर देते हैं रेफ टेक्स्ट, इससे ये एक साल के अंदर आ जाता है, जितना उसका स्पेस होगा उतना वो कवर कर लेगा एक साल के अंदर. दूसरा आता है मर्जेंट सेंटर. सपोज मैं एक सेल के अंदर मेरे को एक हेडिंग बनानी है, तो एक हेडिंग में एक सेल के अंदर नहीं बना सकता, मैं चाहता हूँ कि ये सेल एक साथ मर्ज हो जाए, तो इसके लिए हम मर्जन सेंटर यूज करते हैं. तो ये हमारा एक सेल हो गया पूरा, हम इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, ये एक सेल ही कंसिडर होगा. ओके अब इसके बनाते हैं शॉर्टकट्स. शॉर्टकट्स कैसे बनाए जाते हैं, देखिए एक है ऑल्ट का यहाँ पे की है कीबोर्ड के ऊपर. ओके जब आप इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करिए ऑल्ट, ठीक है, यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स नजर आएंगे आपको. यू मे वांट टू यूज योर ऑन स्क्रीन नो यूज योर ओके जस्ट यू आस्क मी टू यूज माय ओके श्योर आई एम ओके आई विल लुक एट योर स्क्रीन ओके ओके सो व्हेन यू प्रेस एल्ट ओके ऑल्ट यू विल सी दीस अल्फाबेट्स देयर ऑन फाइल इट्स एफ ऑन होम इट्स एच इंसर्ट एन पेज लेआउट पी ओके and you want to learn the shortcut of wrap text okay to aap dekh sakte hain wrap text jo hai kis tab ke andar aata hai, hamara home ke andar aata hai correct hum dabayenge, humne alt dabaya tha pehle, hamare alphabets clear hai okay ab hame home ke andar jana hai to hum dabayenge h okay ab hum home ke andar chale gaye hain, ab jitne iske functions hain un sab ke hamare alphabets de rakhe hain, ye sab shortcuts hain, hame chahiye wrap text ka, iske upar w likha hua hai. Correct. तो हम हमारा शॉर्टकट हो गया Alt H W. Right, right. ठीक है. तो हम जब अब next time इसको लिखेंगे यहाँ पे. यहाँ पे तो रेपेस्ट करा हुआ था. यहाँ पे लिख देते हैं. तो हमें यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है. ओके. हमने शॉर्टकट बनाया था क्या था Alt H W. तो मैं सीधे यहाँ पे प्रेस कर दूंगा Alt H W. ये अपना आप शॉर्टकट हो गया है. ठीक है. इसी तरीके से हम मर्जन सेंटर का बनाते हैं. मैंने यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करा था, तो यहाँ पे हमारा मर्ज हो गई सेल. ठीक है. अब मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट से करते हैं. यहाँ पे मेरे को इसको मर्ज करना है. पहले क्या प्रेस करेंगे ऑल्ट. हमने ऑल्ट प्रेस किया, फिर हमने एच प्रेस किया, हम एच के अंदर चले गए. अब हमें जाना है मर्जन सेंटर के अंदर. इसके लिए है हमारे पास एम. हमने दबाया एम तो हमारे पास और ऑप्शन खुल गए इसके अंदर. ओके हमारे पास है मर्ज एंड सेंटर, उसके लिए हमें दे रखा है सी. ओके तो इसका शॉर्टकट क्या हो गया ऑल्ट एच एम सी. करेक्ट. तो हम इसको यहाँ पे से प्रेस करेंगे ऑल्ट एच एम सी. ये देखिए मर्ज हो गया. तो इस तरह के शॉर्टकट्स जो हैं याद करने की जरूरत नहीं है इनको. जब भी आपको लगे आप एक काम कर रहे हो, आपको इसको बार बार क्लिक करने की जरूरत पड़ रही है, याद करने की जरूरत पड़ रही है, तो आप इसका शॉर्टकट बना लो और जब आप उसको उस वक्त यूज करोगे तो आप कभी इसको भूलोगे नहीं. क्योंकि मेरे साथ ऐसा था, जब मैंने शॉर्टकट्स याद करने की कोशिश करी थी मैं नहीं कर पाया था इनको, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल वर्किंग एनवायरनमेंट पे गया, मैं प्रैक्टिकली फ्लोर पे काम किया, तो जब फ्रिक्वेंटली चीजें यूज होती रहती है तो वो कभी भूलते नहीं है. और याद करने से चीजें याद होती नहीं है. दिस इज द वे टू लर्न दिस शॉर्टकट्स एंड दीज आर द शॉर्टकट्स विच वुड बी यूज्ड सो फ्रिक्वेंटली. ओके इनको तो याद ही करना पड़ेगा. When you say column autofit, you mean by wrap text, right? Column autofit, not this is two different things. Let me clear the difference. Give me a second. Sure. Wrap text क्या करता है? हमने एक cell के अंदर suppose सीधे difference मैं कर रहा हूँ उसके अंदर. हमने इसको करा wrap text. ये एक ही cell के अंदर आ गया, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हो गया cell नीचे की side. पूरा एक box बन गया. ठीक है. लेकिन मैं इसको चाहता हूँ ऑटो फिट करना, तो इस सेल का साइज उतना ही रहेगा, थोड़ा सा एक्सपेंड रहेगा. ऑल्ट ओ सी ए थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया. सी द डिफरेंस. दिस इज ओनली डिफरेंस. दिस इज रैप. या बट इफ आई डू इफ आई ओके सो फॉर द सेम थिंग इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल्ट ओ सी ए इफ आई डू ऑल्ट ओ आर ए अब ऑल्ट ओ आर ए करो ये करेगा रो बी करके. हां कंट्रोल बी करके. ओ एक सेकंड क्या करूं बताओ. कंट्रोल जी करो. अब करो ऑल्ट ओ आर ए. अच्छा करता हूँ एक सेकंड. ऑल्ट ओ आर ए. हाँ जी कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये था कॉलम्स के लिए. हमने कॉलम को जो है ऑटो फिट कर दिया. ठीक है. ऑल्ट ओ सी ए जो हमारा ओ आर ए है वो है रो ऑटो फिट के लिए. मैं आपको बताता हूँ रो ऑटो फिट करो ना.
यू और ठीक है करोगे तो कुछ क्या होगा? हाँ मैं करता हूँ एक सेकेंड, ये देखिए ये जैसे 15 है इसको मैं राइट थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसका जो ये है वो का साइज जो है हो जाए यार, ये देखिए थोड़ा बड़ा हो गया, लिख देता हूँ। अब मैं इसको ऑटो फिट करना चाहता हूँ, ऑल्ट ओ आर एस, देखा आपने? ओके देयर इज क्वाइट सम लैग इन द नेटवर्क, वन सेकंड होल्ड ऑन, गिव मी वन मोमेंट, होल्ड ऑन। ओके आप वापस करके दिखाओगे उसको प्लीज? हाँ एक सेकंड, यहाँ पे हमने करा था कॉलम को ऑटो फिट, कॉलम हमारा छोटा था हमने इसको ऑटो फिट कर दिया, बड़ा हो गया ठीक। यहाँ पे हमारी राइट रो रो थोड़ी हमने बड़ी कर दी, हमने इसमें कुछ लिख दिया टेक्स्ट ठीक है। आप देख रहे हो टेक्स्ट तो हमारा कम है लेकिन हमारी रो का जो है साइज है वो थोड़ा बड़ा हाइट है ना, बढ़ा है। हमने करा इसको ऑल्ट ओ आर ए, देखा आपने साइज छोटा हो गया है, जितना टेक्स्ट था उतना ही हो गया। गुड पॉइंट, हाँ गुड ये पॉइंट, रो के लिए है हमारा और वो था हमारे टेक्स्ट के लिए ठीक है ठीक है। ठीक है। अब है इसके अंदर कंट्रोल स्पेस बार कॉलम सेलेक्ट, देखिए अब अगर आपको ये कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप कैसे करोगे, आप यहाँ पे क्लिक करोगे सी पे ऐसे, करेक्ट, लेकिन अगर इसके लिए आपको शॉर्टकट देखना हो तो इसके लिए है कंट्रोल स्पेस बार और यस फिर भी सर, सिलेक्ट हो जाएगा राइट। ठीक है। ऐसी है शिफ्ट स्पेस बार, ये है रो सेलेक्ट के लिए।